नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, ऑर्ट्स कॉइन में पंप का माहौल बन रहा है। एंड कुछ ऑर्ट्स कॉइन अगर मैं बात करूं, शिबा इनू, एलयूएनसी, बात करेंगे दोस्तों बेबीडॉच कॉइन, इस तीन कॉइन को हमें पकड़ना है। एंड इसके साथ फ्लॉकी इनू को, ये जो तीनों कॉइन्स है इसको पकड़ना है हमें। फ्यूचर पे 2 से 3 दिन बाद आपको कॉल मिलेगा, क्योंकि इन तीनों कॉइन की हाई डिमांड यहाँ पर बढ़ सकती है। क्या रीज़न है? एलयूएनसी का बर्निंग आने वाला है, बेबीडॉच कॉइन का बर्निंग आने वाला है 1 तारीख को, मतलब तगड़ा पंप एक देखने मिल सकता है। एंड फ्यूचर ट्रेड में अगर लेते हैं तो तगड़ा प्रॉफिट मिलेगा। बात करूंगा शिबा इनू की, शिबा इनू का क्या कुछ अपडेट्स है आज के वीडियो में। शिबा इनू का लेटेस्ट पूरी तरीके से नया अपडेट, बर्निंग से लेकर टोटल सब कुछ डिटेल में देखेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट शिबा इनू का रिलीज हो चुका है। एंड डॉक्यूमेंट क्या कुछ है उस चीज़ को समझेंगे। एंड जैसे कि मैंने बताया, तीन फ्यूचर ट्रेड लेने वाले हैं, 3 से 4, 2 से 3 दिन बाद कॉल मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि माहौल बन रहा है। अभी एंट्री लेना थोड़ा बहुत यहाँ पर बाद में पछताने वाली बात हो सकती है। एंड दो हमें यहाँ पर स्पॉट पे लेना है। कौन से कॉइन? एक कॉइन हमें यहाँ पर स्पॉट पे लेना है दोस्तों, ब्राइस टोकन, एंड दूसरा टोकन की आने वाले वीडियो पे हम आगे बात करेंगे। वो शायद फ्लॉकी इनू भी हो सकता है, लेकिन उसका भी माहौल देखना पड़ेगा। बट एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा था कि क्या कुछ हो रहा है पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों शिबा इनू का डीलिस्टिंग को लेकर, उसके बाद शिबा इनू में क्या कुछ चल रहा है उस चीज़ को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब जैसे कि कल हमें देखने मिला था दोस्तों, बाइनांस यूएस ने यहाँ पर शिबा इनू को डीलिस्ट कर दिया है, मतलब शिबा इनू का एक पेयर को डीलिस्ट किया हुआ है। एंड अभी ये क्वेश्चन आ रहा है कि शिबा इनू दूसरे एक्सचेंज पे, क्या बाइनांस पे या फिर दूसरे एक्सचेंज जो है उस पर भी डीलिस्ट हो जाएगा? नहीं दोस्तों, कोई घबराने वाली बात नहीं है, शिबा इनू डीलिस्ट नहीं होने वाला। शिबा इनू का एक पैर है BUSD, जैसे हम बात करते हैं शिबा इनू USDT पैर के साथ, उसी तरीके से शिबा इनू BUSD पैर है, जिसको कि लोग यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं। सब उस पर ट्रेडिंग वॉल्यूम उतना जनरेट हो नहीं पा रहा है, जिसके कारण इसको हटाया गया है। कोई बड़ी यहाँ पर दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो 3/29/2023 से यह पैर हट जाएगा। एंड मैं अगर बात करूँ दोस्तों शिबा इनू को लेकर क्या कुछ अपडेट्स है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इस चीज़ों को देखना पड़ेगा एंड समझना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो शिबीरियम का बेटा लाइव हो चुका है, एंड शिबीरियम का डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी यहाँ पर रिलीज हो चुका है पूरी तरीके से। डिटेल शिबा इनू ब्लॉकचेन, शिबीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर डिटेल आ चुका है। एंड अगर हम आएंगे दोस्तों इनका डॉक्यूमेंटेशन पे, तो आप देख सकते हो होल डिटेल यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया गया है कि शिबा इनू का मोटो क्या है एंड क्या कुछ यहाँ पर अगर आप देखोगे, मतलब शिबीरियम का POS चेन, मतलब प्रूफ ऑफ स्टैक चेन, इथेरियम एंड शिबीरियम ब्रिज, उसके बाद डिप्लॉय, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, मेटाबास के साथ इंस्टॉलेशन, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर क्या है, किस तरीके से, मतलब यहाँ पर जो शिबा इनू का लेयर टू सोल्यूशन है इसका आर्किटेक्चर किस तरीके से डिजाइन किया गया है। एंड इसमें तीन चीज़ें हैं वो भी हमें देखेंगे, सिक्योरिटी मॉडल, स्टैकिंग, वैलिडेटर्स, डेलीगेटर, टेस्ट नेट के वैलिडेटर। एंड अगर बात करेंगे डेलीगेट के लिए, एंड मैं बात करूंगा स्टैकिंग मैनेजर एंड बर्निंग, जो कि हमारा मेन फंक्शन हो सकता है। अगर मैं बात करूं शिबा इनू का ग्रोथ देने के लिए सबसे बड़ा तगड़ा यहां पर इम्प्लीमेंटेशन क्या होने वाला है, बर्निंग आर्किटेक्चर पे। यहां पर तीन चीज़ें हैं, एक बोर आर्किटेक्चर, हेमिडाल आर्किटेक्चर एंड कॉन्ट्रैक्ट आर्किटेक्चर, जैसे कि आप देख सकते हो। लेकिन ये क्या है, ये सब चीज़ें हमें समझने के लिए थोड़ा बहुत फंडामेंटली और स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर बात करूँगी ये सब चीज़ें समझने के लिए हमें कोडिंग भी सीखना पड़ेगा, तो इस सब चीज़ों से हमें कोई काम नहीं है। लेकिन अगर आप आओगे यहाँ पर, जैसे कि मैं बता रहा था स्टैकिंग एक चीज़ है जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्टैकिंग से किस तरीके से यहाँ पर शिबा इनू को ग्रोथ मिलेगा। एंड अगर मैं बात करूँ शिबा इनू का एंटायर इको सिस्टम को ग्रोथ मिलेगा, लाइक NFT सर्विस, NFT, अगर बात करूँगा दोस्तों लाइक ऑन चेन, जो यहाँ पर शिबीरियम ब्लॉकचेन पे जो लॉन्च होंगे उस प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर बात करना है बर्निंग मैकेनिज्म को लेके, क्या कुछ है, तो यहाँ पर कैसे बर्निंग होने वाला है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर की गई है, जैसे कि आप देख सकते हो द फीस शुड बी स्प्लिट इनटू 30% बर्न एंड 30% सेट असाइड द मेंटेन टू द नेटवर्क। अब यहाँ पर बताया जा रहा है जो बोन की जो फीस कलेक्ट होगा, यानी कि शिबीरियम ब्लॉकचेन आने के बाद जो फीस यहाँ पर कलेक्ट होने वाला है, उसका 70% यूज़ करेंगे बर्निंग के लिए एंड 30% यूज़ करेंगे शिबीरियम चेन को मेंटेन करने। यहाँ पर 70% जो होगा उसमें से कितना एंड कैसे बर्निंग करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो $25,000। जैसे ही यहाँ पर बोन, अगर जो गैस पीस की तरह यहाँ पर शिबीरियम को बोन को इकट्ठा किया जाएगा शिबीरियम ब्लॉकचेन का, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन पर यहाँ पर बोन यूज़ होगा एंड बोन एक जगह इकट्ठा होगा। एंड जैसे ही एक मान लो एक बकेट पे यहाँ पर बोन को इकट्ठा करे जा रहे हैं, अब जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है ही 25,000 का बोन इकट्ठा हो जाएगा, उस बोन का अमाउंट को, इक्वल अमाउंट को स्वाप करेंगे किस पे, शिप टोकन पे। एंड शिवा टोकन को क्या करेंगे, उस अमाउंट का 25,000 का टोकन को बर्न करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे पॉजिटिव बात है, क्योंकि
टोटली सब कुछ अभी डिपेंड कर रहा है शिबा इनु का सप्लाई पे, एंड शिबा इनु का सप्लाई के वजह से आज के टाइम पे शिबा इनु जो प्रॉफिट दे के रखा है उस प्रॉफिट से आगे बढ़ नहीं पा रहा है। एंड मार्केट बढ़ेगा तो उसके साथ कुछ प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन एग्जैक्टली जितना प्रॉफिट का हम उम्मीद कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि जितना प्रॉफिट हमें होना चाहिए वो प्रॉफिट हमें इस वक्त नहीं मिल पा रहा है। रीज़न क्या है? शिबा इनु का सप्लाई बहुत है, उसको बर्न करना पड़ेगा। एंड बर्न करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया है कि टोटल फीस का 70% को बर्न करेंगे, 30% को मेंटेन करने के लिए रखेंगे। एंड 70% इन द सेंस जैसे ही 25,000 का बोन एक जगह हो जाएगा, $25,000 का बोन, उस अमाउंट का शिबा स्वैप टोकन को यहां पर उस अमाउंट का स्वैप करके शिबा इनु टोकन को बर्न किया जाएगा। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा।